हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी, जो राजस्थान की फेमस डिश है। ये दाल बाटी की रेसिपी मैंने मराठी लैंग्वेज में डाली थी और मराठी लैंग्वेज में तो इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन जो हिंदी जानते हैं और मराठी समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने ये रेसिपी हिंदी में डालने की कोशिश की है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस डिश दाल बाटी, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी उतनी ही फेमस है और थोड़ी सी अलग तरीके से ये बनाई जाती है। दाल बाटी बनाने के लिए यहाँ हमने नमक लिया है 2 चम्मच, मैंने जीरा लिया है, अजवाइन 4 चम्मच लिया है और सोडा लिया है 1/2 चम्मच और 1 बाउल में सूजी है। और यहाँ पे मैंने इसी बाउल का मेजरमेंट लेके 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अभी एक बड़े से थाली में मैंने 2 गिलास पानी डाला है, इसी में हम सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, नमक डाला है, फिर हम सोडा डालेंगे और अजवाइन, जीरा ये सब इसी में हम मिक्स करेंगे। अभी इसी पानी में हमें अजवाइन डाला है, उसके बाद हमने जीरा डाला है, नमक डाला है, सोडा डाला है और हल्दी डाली है, तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है और इसमें सूजी भी डाली है। तो इसी बर्तन से मैंने पानी लिया था, तो अभी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और जो हमने गेहूं का आटा लिया था वो भी इसी में डाल के मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी आटा डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले और रोज़ जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसे भी अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार है, मैंने अच्छे से इसको सॉफ्ट किया है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। हमारा डो तो तैयार है, उसके बाद हमें एक इडली का बर्तन लेना है, गैस ऑन कर दिया है, इसे हम प्रीहीट करेंगे। जैसे इडली बनाते हैं उसी तरह से हमें ये बाटी बनानी है। यहाँ पे मैंने 4 बर्तन निकाल के रखे हैं, इसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे जिससे कि हमारी बाटियाँ नीचे चिपकेगी नहीं। अब 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब फिर से हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है और फिर से थोड़ा सा मल लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि हमें बाटियाँ कैसी बनानी है। यहाँ पे मैंने बड़ी सी लोई ली है, इसको हम बड़ी रोटी बनाएंगे, बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और ये बड़ी सी रोटी बन जाएगी। यहाँ पे हमने रोटी बेल ली है, अब हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और पूरी तरीके से हम यहाँ फैला देंगे। अब इस रोटी का हम रोल बनाएंगे।
और इसके बाद हमें इसे चार हिस्सों में कट कर लेना है और एकदम हल्के हाथों से लोई बनानी है। तो आप देख सकते हैं एकदम हल्के हाथों से हम इसे राउंड शेप दे रहे हैं। इसी तरह से हमने सारी बाटियां तैयार कर ली है। अभी हमें सारी बाटियों को स्टीम पे पकाना है, तो इसीलिए इस बर्तन को हम ऑयल लगा लेंगे जिससे हमारी बाटियां नीचे नहीं लगेगी। इडली के बर्तन में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रखा है। जिस तरह से हम इडली पकाते हैं उसी तरह से हमें ये इडली के बर्तन में ये बाटियाँ रख देनी है और इसे स्टीम पे पकाना है। तो लगभग 20 मिनट तक हमें ये स्टीम पे रखना है। जैसे हम इडली बनाते हैं उसी तरह से ये प्रोसेस है। तो इस तरह से हमने ये रख दिया है, इस पे हम ढक्कन रखेंगे और 20 से 25 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। शुरुआत में मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई रखी है, इसके बाद हम लो से मीडियम रखेंगे। इस बाटी को हम दाल के साथ सर्व करते हैं। इस बाटी को महाराष्ट्र में कई जगहों पे शादियों में बनाया जाता है और उसे बैंगन के साथ सर्व किया जाता है और हम दाल के साथ खाते हैं। तो जैसे आपको दाल पसंद है वैसे आप दाल बनाइए। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करके ली है, अब हम इसे तड़का लगाएंगे। महाराष्ट्र में सिंपल सी दाल बनाई जाती है जो चावल के साथ खाते हैं, तो उसी तरह से मैंने जो डेली दाल बनाते हैं वो दाल बनाई है। तो इसमें हम करी लीव्स डालते हैं, इसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर आप दाल तड़का भी बना सकते हैं तो वो ज़रा स्पाइसी होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दाल बनाई है। यहाँ पे हमारी दाल तैयार हो गई है, अब हम देखेंगे कि हमारी बाटी तैयार हुई है या नहीं। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम देखेंगे कि हमारी बाटियाँ तैयार हुई है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बाटी तैयार हुई है, इसे हम निकाल लेंगे। तो साइड में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है और मैं यहाँ पे सारी बाटियाँ निकाल रही हूँ। तो ये अभी गरम है तो हम गरम गरम भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बाटी तैयार कर ली है, अब हमें इसे कट कर लेना है। ये बाटी अभी गरम है, हम गरम भी डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अब चार हिस्सों में कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अच्छे से लेयर्स निकली है। तो डीप फ्राई करने के बाद और अच्छे से सारी लेयर्स निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डीप फ्राई कर रहे हैं, गोल्डन कलर आने के बाद हमें इसे निकाल लेना है और अच्छे से कुरकुरे क्रंची हो जाते हैं ये बाटियाँ। तो अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप हल्का सुनहरा कलर आने के बाद निकाल लीजिए, और जिसको ज़्यादा कुरकुरा चाहिए तो थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर आने के बाद आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बाटियाँ ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो महाराष्ट्र में हम इसे शादियों में बनाते हैं और जो बैंगन की सब्जी होती है उसके साथ इसे सर्व किया जाता है। इसी तरह से दाल के साथ भी सर्व किया जाता है। तो आपको ये महाराष्ट्र की स्पेशल दाल बाटी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपने ये ट्राई की तो वो भी मुझे बताइए। तो यहाँ पे मैंने दाल बाटी तैयार कर ली है, इसे मैं दाल के साथ सर्व करूँगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ये दाल बाटी बनाई जाती है। तो हर किसी स्टेट में अलग अलग तरीका होता है, जैसे राजस्थान में अलग तरीके से बनाई जाती है तो महाराष्ट्र में अलग तरीके से बनाई जाती है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने ये हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो अगर ये आप
ट्राई करते हैं या बनाते हैं तो इसे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने भी इसे ट्राई किया है। तो आपको ये महाराष्ट्रीयन दाल बाटी कैसे लगी ये आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो जब मैंने मराठी में वीडियो बनाया था तो सभी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था, तो मुझे आशा है कि हिंदी में भी इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको कोई भी महाराष्ट्रीयन डिश की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इसी अच्छे से रेसिपी के साथ। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ये बाटी बहुत क्रंची हुई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।